हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हो आप? सही में बिल्कुल बढ़िया। तो एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ, और इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है। प्लीज इसको शेयर करना, लाइक करना। आपकी डिमांडेड वीडियो है कि आपने पूछा था कि दीदी जॉब वगैरह के बारे में बताओ, कौन कौन से फॉर्म हम भर सकते हैं, कब आएंगे, कितनी सैलरी रहेगी, कौन कौन सी हैं। तो टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी इन 2024, तो ये मेरा फोटो आप देख ही रहे होंगे। तो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम चलते हैं वैकेंसी के थ्रू। DSSSP जेल वार्डन पोस्ट 2024, हिंदी में बोलते हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। इसकी सैलरी होगी 36,000 पर मंथ, और फॉर्म अगस्त में आने वाले हैं, और 1-2 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। तो आप अभी से अपनी तैयारी कर लें स्टार्ट, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। और वैसे जो कंपटीशन लाइन में है तो पहले से कर ही रहे होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें वो नहीं है टॉपिक जो आप ऐसे सोचते हैं कि कुछ अलग होगा। कुछ नहीं होता, वही रहते हैं, पर नज़रिया थोड़ा बदल जाता है, क्वेश्चन का लेवल भी चेंज हो जाता है। और एज लिमिट 18 से 27 यूआर के लिए, और सेकेंड है हमारी ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 2024। लोगों आप देख सकते हैं, कोई फेक वैकेंसी के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, आप ये समझो कि मैं फेक के लिए बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसकी सैलरी मिलेगी आपको 45,000 पर मंथ, अब देख रहे होंगे। और इसके फॉर्म जुलाई में स्टार्ट होंगे। एज लिमिट 18 से 27, URL और OBC ST, और जो भी आप EWS वगैरह के लिए छूट मिलती है वो आपको मिलेगी। थर्ड पे चलते हैं हम, SSC स्टेनोग्राफर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, जो स्टेनोग्राफर सीखते हैं उनके लिए, और इसमें फॉर्म भी बहुत कम भरे जाते हैं, बेस्ट है। और मैं भी इसकी तैयारी कर रही हूँ, मैंने भी पहले फॉर्म डाला हुआ है, और पर रह गई थी 1-2 नंबर से। तो इसके बारे में अगर बात करते हैं, और वैसे ये इसकी फुल वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हो, देख भी सकते हो। और इसकी सैलरी मिलेगी आपको 42,000 पर मंथ, और फॉर्म जुलाई में होंगे, लास्ट डेट अगस्त में है, एज लिमिट 18 से 27, वो सेम, और 12th पास है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कुछ भी। और इसका सिलेबस वगैरह मैथ नहीं आती, आपको पता होगा जो तैयारी करते हो। और फोर्थ है हमारी CAPF, CHC वो HCM ASI, और 12th पास वैकेंसी है ये, और इसकी सैलरी 40,000, फॉर्म जुलाई में, एज लिमिट 18 से 25 है। अब ये मत समझना 27 है, तो आप इसका भी अप्लाई कर सकते हो आपकी इच्छा हो तो। इसकी लास्ट वैकेंसी 2022 में करीब आई थी, अब 2024 में 2 साल बाद आती है इसकी वैकेंसी। और हमारी पांचवी है MEMRS एकल मॉडल स्कूल के बारे में ये बता रखा है इन्होंने, और लोग आप देख सकते हो। और इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे जुलाई, एज लिमिट वही 18 से 25, सैलरी 30,000, मतलब किसी भी वैकेंसी की बात कर लो आप, सैलरी 30,000 से ऊपर ही है, ऐसा कुछ नहीं है, कम है। बस यही भी एक वैकेंसी है जो EMRS की है, जो 30,000 है, तो कोई 42,000, 40,000, 45,000, ये सब है। और सिक्स में हमारी DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनहेंस सैलरी मिलेगी आपको 38,000 पर मंथ, फॉर्म जुलाई अक्टूबर में। और सेवेंथ है इंडियन एयरफोर्स 2024, जो कि अग्निवीर के नाम से होती है, जो 4 साल की होती है ना, उसके लिए, और फॉर्म वगैरह चल भी रहे हैं आप देख रहे हो, और एग्जाम भी होगा ये लोगों, हमारे भारत की शान, भारतीय वायु सेना। और इसकी सैलरी 30,000, फॉर्म वही मिलेंगे जुलाई में, एज लिमिट 17.5 से 21 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, इससे पहले नहीं। अगर कोई बच्चे ने 12th की है, 12th मतलब ऐसे एक ही होगी, मतलब 18 के करीब या 17 के करीब हो जाती है 12th, तो आप 12th से ही अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, जब तक कि लग जाओ आप। और फिर आठवीं है हमारी DJB दिल्ली जल बोर्ड जूनियर असिस्टेंट पोस्ट, जो दिल्ली में जल विभाग वाले बोर्ड होते हैं ना, उनके लिए सैलरी है, बहुत ही अच्छी सैलरी है। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, आपको बैठना होता है मस्त आराम से, सैलरी पानी है होती है। टोटल वैकेंसी आएंगी इसकी 646, एज लिमिट 18 से 27, सैलरी 42,000 पर मंथ। और एट में सबसे फेवरेट, जो मेरी भी फेवरेट वैकेंसी है, RRV NTPC की वैकेंसी आने वाली है। इसके फॉर्म वगैरह मैं बता दूंगी आपको,
रेलवे जल आरआरबी, और इसकी कौन कौन सी पोस्ट पर निकलेंगी आप देख सकते हो। 6 पोस्ट है, 1 2 3 4 5 6। स्टेशन मास्टर, दूसरे पे जूनियर टाइम कीपर, नंबर थर्ड पर ट्रेन क्लर्क, ट्रैफिक कॉमर्शियल अकाउंट क्लर्क, ये सारी 6 पोस्टेड हैं इसमें। और सैलरी 38,000 पर मंथ, और फॉरम अक्टूबर में होंगे, और एज लिमिट वही 18 से 28, इसमें 1 साल ज़्यादा मिल चुकी है। और लास्ट है हमारी 10th नंबर की, जो कि बहुत से कम लोगों ने सुनी होगी, ये तो ज़्यादा सुनते भी नहीं है, इसको जानते भी नहीं है। तो DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जूनियर जूनियर असिस्टेंट वगैरह होते हैं उनके बारे में, और सैलरी इसकी 38,000 पर मंथ, फॉरम अक्टूबर, एज लिमिट 18 से 27। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, 10 इसमें वो दे रखी है, आपको पता होगा मैंने बताया 10ों के बारे में। और आप और कुछ भी जानना हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट, जो आप मेरी हेल्प कर सको तो कर देना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अगर नहीं लगे तो डिसलाइक करके भी जाना, और कमी भी बता के जाना कि दीदी हाँ ये कमी है। और किसी वेकेंसी के बारे में आपको और डिटेल से जानना है, सिलेबस जो भी कुछ हो, जो सारी प्रोसेस होती है, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक राधे राधे गाइस।